नमस्कार, मैं रंजा सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। पिछले 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे हर तरफ पानी ही पानी था। इसी बीच सोमवार करीब 4 बजे ढकोली निवासी झुन्नू कश्यप पुत्र मगन सिंह का कच्ची ईंटों से बना मकान भरभराकर गिर गया, जिससे एक गाय भी उसके मलबे में दबकर घायल हो गई, जिसे ग्रामीणों ने बमुश्किल मलबा हटाकर बाहर निकाला तथा उपचार कराया। विदित है कि झुन्नू नितांत गरीब है और सांस की बीमारी से जूझ रहा है, जिस कारण वह मजदूरी करने में असमर्थ है। उसकी पत्नी संतोष ने एक गाय पाल रखी है, जिसका दूध बेचकर वह गुजर बसर करते हैं। नितांत गरीबी के कारण उसका परिवार कच्चे मकान के सामने पन्नी डालकर जीवन यापन करने को मजबूर है। पूछने पर झुन्नू व उसकी पत्नी ने बताया कि सरकार की ओर से गरीबों के मकान बनवाए जा रहे हैं, जिनका उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। वहीं गांव में पक्के मकान बनवाए जा रहे हैं, जिनके पहले से ही सही मकान बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्र लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। गरीबों को आशियाने नसीब नहीं हो सके, जबकि रिश्वत के बल पर काश्तकारों के मकान बनवाए जा रहे हैं। इस संबंध में ग्राम प्रधान अनिता ने बताया कि आवासों की सूची उनके कार्यकाल से पहले की है, उसी के आधार पर मकान बन रहे हैं। यदि नई सूची बनाने के आदेश आते हैं तो निष्पक्ष रूप से उन्हीं लोगों के आवास बनवाए जाएंगे जो पात्र हैं। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर 3-3 स्तरों पर जांच होने के बाद भी गरीब सूची से बाहर कैसे हैं और अपात्रों के मकान कैसे बन रहे हैं। नेहटोर से मोहम्मद फैजान की रिपोर्ट। नाम क्या जी आपका? नाम मेरा छुन्नू सिंह। छुन्नू जी। पिताजी का नाम? मगन सिंह। गांव? ढकोली। क्या हुआ है तुम्हारी पशुशाला जो गिर गई? वही गिर के आए, गाय दब गई हमारी, बड़ी मुश्किल में निकली है। तो खैसान का निकलवाई, जब सारा पूरा ठहल ईटी पीट रही है कच्चा डले। अच्छा, मकान जो सरकारी मकान नहीं बना तुम्हारा अभी? हमारा तो बन, हमारा हमारे तरफ कोई आता ही ना, इधर को आई ना रहा। हमारा कहाँ बनना है, और क्या बनना है? मकान है ही नहीं तुम्हारे यहाँ? ना, मकान है ही नहीं। हमारा मकान है गाँव में, हमारा तो नहीं बन पा रहे है, और जिनके पक्के हैं उनके बन पा रहे हैं बस। अच्छा, हमारे तो कोई अच्छा ना रुका देना सही है, इनके तो पक्के बता दिए हमारे तो। अब देख लो, तुम देख कर बताओ ये पक्के हैं कच्चे हैं। तो अब क्या सरकार से क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? हमारा हमारे सुधार हो जाए, कोई हमारे मकान दुकान बन जाओ तो हम यही सुधार चाहो, और क्या चाहो बताओ। करते क्या हो तुम? करते तो हम कुछ भी ना, बीमार बैठा रहूँ मैं, सांस का मरज है मेरे। मजदूरी वगैरह तो करते हो? मजदूरी कर लूँ, कहीं को थोड़ी बहुत लग गई तो वो भी। डेढ़ साल तो मुझे वैसे ही हो गया, दीपावली से लगा के टाइम है, दीपावली आ ली, जब 1-1.5 लाख काम नहीं करा मैंने, बीमारी में लगाने को मैं तो पैसा। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।